नई सरकार का जो गठन है वो अब प्रक्रिया उसकी शुरू हो चुकी है? देखिए, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का कार्य किया। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एक उचित समय पर वो बात करेंगे, बोलेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। कई बातें ऐसे हैं जिसके बारे में वो अभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन सही समय आएगा तो बोलेंगे क्यों अजीत पवार कैसे उनके पास आए और अजीत पवार के साथ कैसे मिलकर सरकार बनी। बिन मांगे भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दे रहा हूँ और सलाह बहुत स्पष्ट है कि जनता के लिए काम करिए, जनता के लिए नीतियाँ बनाइए, सिर्फ भाषण करने का काम मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये कि बोलती ज़्यादा है, काम कम करती है। और फडणवीस साहब को ये सलाह देना चाहूँगा, फडणवीस साहब रात के अंधेरे में शैतानी शक्तियाँ अपना काम करती हैं, दिन के उजाले में काम करने की बात करिए या दिन के उजाले में बात करिए। सर, बात करना गलती रही। इस बीच अजीत पवार ने भी कहा कि एनसीपी का दामन तो कभी छोड़ा ही नहीं था, ना कभी उन्हें एनसीपी ने एक्सपेल किया, ना कभी वो गए, तो किसी तरीके से सवाल ही नहीं उठता ये कि उन्होंने एनसीपी के साथ जो है सही नहीं किया या वो एनसीपी को छोड़ कर गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एनसीपी में हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं या कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो शरद पवार जी से मिलती है। शरद पवार जी सम्मानित नेता एनसीपी के हैं और शरद पवार जी से सारी बातें एनसीपी के मामले में हुई थी। रही बात अजीत पवार जी की या शरद पवार जी क्या निर्णय लेते हैं अजीत पवार जी के मामले में, या एनसीपी का अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा, एनसीपी सोच करके समझ करके इसका निर्णय लेगी। एक चीज साथ आई है तो एक विचारधारा जो थी उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया, शिवसेना ने अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज़ किया। ये जो है बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है और कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी को। देखिए, पीडीपी को कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रद्रोही पार्टी कहती थी, फिर पीडीपी से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं रही। अब गठबंधन खत्म हो गया पीडीपी से तो अब राष्ट्रद्रोही पार्टी हो गई। हमारा गठबंधन शिवसेना से है और शिवसेना ने अनेकों अवसर पर, चाहे वो इंदिरा जी को सपोर्ट करने का मामला हो बाला साहब ठाकरे का, चाहे वो शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी साहब को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया हो या प्रतिभा ताई पाटिल जी को उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया हो, अनेकों बार शिवसेना ने हमारा समर्थन किया है। और शिवसेना की और शिवसेना की और कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के जो मिलन है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर, जिसमें किसान को केंद्र बिंदु में रखा गया है महाराष्ट्र के, जिसमें महाराष्ट्र के नौजवान को केंद्र बिंदु में रखा गया है, जिसमें महाराष्ट्र के विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है।